यहाँ जो बहुलता, विविधता, वैविध्यता, बहुरूपता है सृष्टि में, जो ये नानात्व है, नानात्व का अर्थ है विभिन्नता, नाना प्रकार, विविध प्रकार, अनेक प्रकार, बहु प्रकार। तो कोई एक अनेक प्रकार से है, प्रकारांतर भिन्न है, एक जैसा कुछ भी नहीं है, एक जैसी आकृति, एक जैसा रूप, एक जैसी छाया, प्रतिच्छाया, आभा, दीप्ति, किरणों में भेद है, चंद्र किरणों में, सूर्य की रश्मियों में भेद है, कहीं उग्रता, उष्णता, मंदता, तीव्रता, कहीं अधिक उजास, कहीं मंद प्रकाश। एक सूर्य की किरणें भी भिन्न भिन्न हैं, फिर उनकी छाया, प्रतिछाया, उनके फिर अनेक बिंब, प्रतिबिंब, वो एक ही, उसकी एक तत्व की अनेक प्रतिमूर्तियां, पात पल्लव, एक वृक्ष के एक जैसे पत्र नहीं, एक जैसे पुष्प नहीं, उनकी एक जैसी आभा गंध नहीं, एक जैसी सुगंध उनमें, एक जैसा मकरंद नहीं, एक ही बाली में विभिन्न अन्नों की संयोजता, धान की एक बाली, गेहूं की, जौ की, अन्न में वैविध्यता, हर कण की अलग पाचकता, पौष्टिकता, प्रत्येक कण में एक विविधता, एक अलग वैशिष्ट्य। एक वृक्ष के एक जैसे फल नहीं, पात पल्लव नहीं, एक जैसी प्रकृति नहीं, अंबर एक जैसा नहीं, हर दिवस का अंबर, सांझ एक जैसा कुछ भी नहीं है, पल पल परिवर्तन है, प्रतिक्षण प्रकृति में, शरीर में एक जैसी कोशिकाएं नहीं, कोशिकाओं में नित्य परिवर्तन है, उनमें नित्य मरण, क्षरण, क्षय, जन्म, उदय, जो शरीर की कोशिकाएं, जो ऊतक हैं, टिश्यू सेल्स, और उनमें पाचक रस, एक जैसे नख नहीं, एक जैसी त्वचा नहीं है, नित्य परिवर्तन है त्वचा में, नित्य उसमें वैसा आकर्षण नहीं, कभी उसकी मादकता, मांसलता, उसकी कमनीयता, उसका आकर्षण खो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम। निरंतर परिवर्तन है, निरंतर क्षय है, पर वो एक ही है, उसका, उस एक का ये इतने अनेक रूपों में अनेक हो जाना उसका स्वभाव है। एको हम बहुश्याम, पुनरागमन, पुनरावृत्ति, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरावृत्ति, भोर दोपहर सांझ रात प्रभात, फिर भोर दोपहर सांझ रात प्रभात, दिवस रात्रि में पुनरावृत्ति, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अयन और वर्ष संवत के रूप में, युगों के रूप में पुनरावृत्ति, ये वैवस्वत मनमंत्र, सातवां मनमंत्र, सात पहले हो चुके,
उनमें कई कलयुग और कई द्वापर त्रेता और अनेक बार राम कृष्ण अथवा सतयुग के अनेक प्राणी बदल चुके हैं। यहां एक ही सत्य है और वह परिवर्तन, यहां परिवर्तन है, पल पल परिवर्तन है, पर कोई एक तत्व कभी नहीं बदलता। उस एक तत्व को हमने सनातन शाश्वत कहा, सार्वभौम सार्वकालिक कहा, उस एक तत्व को हमने ईश्वर तत्व कहा, आत्म तत्व कहा। देह में परिवर्तन है, काय के कलेवर, ये कलेवर में परिवर्तन है, मन बुद्धि में परिवर्तन है। मन एक जैसा कहा है, मन तो बदलता रहता है, आज अभी कुछ है कल कुछ और होगा। मन कुछ तो कुछ भी नहीं है, द्रव्यों का एक घनी भूत पुंज है, कुछ भी नहीं है। मन माने केमिकल्स, कुछ भी नहीं, इमोशंस फीलिंग्स टेम्पटेशंस, मन है क्या? कुछ भी नहीं। साइकोबाय टेंडेंसीज, मन है क्या? विचार कल्पना भावना स्मृति, मन है क्या? ग्रहण और त्याग, हे और उपादेय का विचार, हानि और लाभ पर चिंतन, यश और अपयश, जन्म और मरण की कोई एक अनुभूति, और है क्या मन? मन तो कामना है, वासना है, स्पृह है, लालसा है, ईर्षा है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है, भय है, जुगुप्सा है, घृणा है, ग्लानि है। सुख दुख की अनुभूति का नाम मन है। हर पल बदल रहा है वो तो। कोई मन एक जैसी चीज है क्या? नहीं, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, बुद्धि बदल रही है। आप नहीं बदलते हैं, आपने इस सब को बदलते हुए देखा है। तो विचलित मत हो जाओ, जब यहां सब चीज बदलती है तो लोग भी बदल जाएंगे। वो एक जैसे कहां रहते हैं? फिर एक जैसी परिस्थितियां स्थितियां कहां रहती हैं? जब आपका एक जैसा शरीर नहीं है, एक जैसा विचार नहीं है,